इस आज्ञा चक्र में बहुत ही अद्भुत शक्तियां हैं। आप मान के रखिए, इस आज्ञा चक्र में इतनी शक्ति है कि आपको ये बिल्कुल शांत कर देगा। अगर इस चक्र पे ध्यान लगाया जाए तो आपके भीतर जो उत्सुकता है, जो चंचलता है, जो भीतर बार बार आपके भीतर विचारों का आवागमन होता रहता है, वे धीरे धीरे अगर इस चक्र पे सही तरीके से ध्यान लगाया जाए तो धीरे धीरे वे कम होते रहते हैं। देखिए, मानव शरीर में 7 चक्र होते हैं, जिसपे छठे नंबर पे चक्र होता है आज्ञा चक्र, और ये नीचे से ऊपर गिने जाते हैं, ऊपर से नीचे नहीं। सर्वप्रथम देखिए मूलाधार, मूलाधार के बाद स्वाधिष्ठान चक्र, फिर मणिपुर चक्र, फिर अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, फिर आज्ञा चक्र। इसके पश्चात होता है शास्त्र चक्र। आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाने की विधि जाने और इसको एक्टिव करने के फायदे ये होता है कि इसको आज्ञा चक्र किस प्रकार जागृत करना है और इसका फायदा क्या होता है। देखिए, अगर कोई साधक आज्ञा चक्र की स्थिति में आ जाता है, यानी वहां तक पहुंचता है, और ये साधक को पता भी नहीं चलता है कि आपका आज्ञा चक्र एक्टिव हो रहा है कि नहीं, केवल आप कुछ लक्षण के द्वारा पता कर सकते हैं कि हाँ आपके आज्ञा चक्र में दर्द उठ रहा है, कुछ चीटी जैसा काट रहा है, कुछ सुई जैसा कुछ चुभ रहा है, वैसा लक्षण पता चलते हैं, जिससे आप समझ जाए कि हाँ उस जगह कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसी ऊर्जा विकसित हो रही है जिसके कारण वहाँ पर वह चक्र आज्ञा चक्र एक्टिव हो रहा है। अब देखिए, अब ध्यान से सुने, आज्ञा चक्र पर ध्यान कैसे लगाया जाता है, यानी आज्ञा चक्र को कैसे जागृत करें, इस चीज को आप जानें। आज्ञा चक्र देखिए, सामान्य रूप से आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाने की सबसे उत्तम समय होता है वह होता है ब्रह्म मुहूर्त का समय। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त विशेष क्यों माना गया, क्योंकि इस समय पूर्ण रूप से शांति बनी रहती, पूर्ण रूप से शांति। इस समय जब आप उठकर आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएंगे तो सहज रूप से आपका आज्ञा चक्र पर ध्यान लगेगा, आपके भ्रकुटि पर बिल्कुल चित्त एक जगह टिका हुआ रहेगा उस समय, क्योंकि मन में ना तो कोई विचार उत्पन्न होंगे, ना किसी प्रकार का शोर शराबा रहेगा। अब सुने कि आज्ञा चक्र पर जब ध्यान लगाया जाता है, सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठें, उठने के पश्चात आप हाथ मुंह धोकर फिर बैठें, पूर्ण रूप से स्वच्छ होकर बैठा, आलस्य बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हो सके तो आप मेडिटेशन करने से पूर्व अपने शरीर को पूर्ण रूप से एक्टिव करें। भस्त्रिका, अनुलोम विलोम और कपालभाति, ये आप 2-3 मिनट तीनों करें। इसके अलावा आप लंबी और गहरी सांसें अपने घर के बाहर ही, यानी आप छत पर जाकर लंबी और गहरी सांसें भरे भीतर और लंबी गहरी सांसें बाहर छोड़े। इससे क्या होगा कि ऑक्सीजन का जो फ्लो रहता है पूरे शरीर में वो पूर्ण रूप से चलने लगेगा, और जो रक्त का प्रवाह है वे आपके शरीर में जो सर्कुलेशन होता है वो एकदम सामान्य रूप से हो जाएगा। ये करने के पश्चात आप मेडिटेशन में बैठें पूर्ण। आप अधिकतर जो साधक होते हैं वे क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि वे उठते हैं, हाथ मुंह धो लें और डायरेक्ट जाके आप ध्यान में बैठते हैं। ऐसा ना करें, आप वैसे ही ध्यान में बैठेंगे, 1 या 2 मिनट पश्चात आपको नींद के झोंके आने लगेंगे, यानी आप इधर गिरने लगेंगे उधर गिरने लगेंगे, ऐसा नहीं करना। इससे बढ़िया आप सो ही लें, ऐसा ध्यान बिल्कुल ना करें। या फिर आप नींद पूरी कर लें, या फिर आप मेडिटेशन पूर्ण रूप से करें, ध्यान अवस्था पूर्ण रूप से होनी चाहिए। देखिए, जैसे अब आप आज्ञा आप बैठ गए ध्यान में, फिर आपको आज्ञा ज्ञान मुद्रा में बैठना है। ज्ञान मुद्रा में बैठने के पश्चात लंबी और गहरी सांसें भरे, फिर ओम का उच्चारण करना है यहाँ पर आपको। कैसे, लंबी और गहरी सांस भरे और भीतर से ओम बोले, ओम। ये आपको लंबा और गहरा बोलना है, ये मैं थोड़ा ही बोल के बता रहा हूँ क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। इसके बाद में ओम का उच्चारण कम से कम आपको 15 से 20 बार करना ही पड़ेगा। यहाँ पर 15 से 20 बार उच्चारण करें, और ओम का उच्चारण करते समय आपको ये
मनोभाव बिठाना पड़ेगा कि आप सीधा सीधा आपका जो ध्यान होता है वो आपका केवल और केवल आज्ञा चक्र पे रखें, सहज रूप से रखें, बिल्कुल आपकी आंखें गड़ोए ना वहाँ पर कि आप केवल एक जैसे कि आप नाक की ओर देखते हैं टकटकी लगा के तो आपका सर दुखने लग जाता, ऐसा नहीं। केवल ध्यान लगाए कि आपका आज्ञा चक्र पर ध्यान है केवल, बस और कुछ नहीं, बस सोच के रखे और ओम बोल रहे हैं आप, ओम 15 से 20 बार इसका उच्चारण करके साधक जब बैठता है शांति में तब आपको आज्ञा चक्र की शक्ति का पता चलने लगता है। आज्ञा चक्र पर जो एक्टिवेट हो, देखिए आज्ञा चक्र एक्टिव होने का मतलब जाने कि वहां पर आपकी चित्त शुद्धि होना और शांति पूर्ण रूप से शांति उत्पन्न हो जाना, भीतर पूर्ण रूप से शांति एकदम ऐसा लगेगा आपके आपको कि एकदम कुछ जिसे बिल्कुल सन्नाटा सा छाया छा गया पूरी तरह। और इसके अलावा इसके उपरांत आपको कम से कम जो समाधि में बैठना है यानी बैठे रहना उसी अवस्था पे, कम से कम आपको आधे घंटे तक बैठे रहना है उसी अवस्था में। लेकिन काफ़ी लोग साधक ऐसे हैं जो बैठ नहीं पाते, तो कम से कम आपको 15 मिनट करते हैं, अगर 30 मिनट नहीं हो रहा 15 मिनट जरूर बैठे ऐसी स्थिति में, इसी स्थिति। और जैसे आपका ध्यान भटकने लगे वापस ओम का उच्चारण आपको करना है, ओम। अब देखिए ओम का भी मैं रहस्य बताता हूँ यहाँ पर, ओम क्यों बोला जाता है। अब देखिए ओम का बहुत ही बड़ा मीनिंग माना गया है, एक तरह से आप बोलिए ये निराकार मंत्र है, एक तरह से ये अनंत मंत्र माने, ये भागवत गीता में भी ओम का बहुत ही गजब का वर्णन हो रखा है। अब इसको मैं आपको एक सीधे सरल भाषा में बताऊं कि एक मुक्ति का द्वार माना गया है। ओम का संबंध आज्ञा चक्र से बहुत ही गहरा है, बहुत ही गहरा है, ओम का संबंध आज्ञा चक्र से बहुत गहरा है। भागवत गीता में स्पष्ट भाषा में लिखा हुआ है कि अगर कोई मरता हुआ व्यक्ति जिसके प्राण छूट रहे हो और वह मेरा यानी श्री कृष्ण बोल रहे हैं वह मेरा चिंतन करते हुए, मेरा चिंतन करते हुए मेरा स्वरूप आज्ञा चक्र में लाते हुए ओम का उच्चारण करता है, ओम ओम, तो वह मुझको ही प्राप्त होगा, वे मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ये बिल्कुल स्पष्ट भाषा में कहा हुआ। और इस ओम मंत्र का बहुत ही गहरा संबंध है, मैं पहले कह रहा हूँ आपको कि आज्ञा चक्र से बहुत ही गहरा संबंध है। और इसको जब भी आप आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाएं तो ओम का उच्चारण जरूर करें, लंबी और गहरी सांस से भीतर भरें और ओम का जाप करते हुए आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएं और बैठ जाए कम से कम 15-20 मिनट। ये प्रक्रिया करने में आपको 2-3 मिनट लगेंगे ओम का उच्चारण करते हुए, फिर आप एकदम शांति में बैठ जाए मौन अवस्था। आपको जैसे ही लगेगा 10-15 मिनट बाद में आपका ध्यान विचलित हो रहा वापस वो की वही प्रक्रिया करनी है आपको, ओम का उच्चारण करना है लंबी और गहरी श्वास से भर के और आपको ओम बोलना है, वापस वैसे बैठना है। देखिए अब आपको ये आज्ञा चक्र पर मेडिटेशन यानी ध्यान लगाते हैं तब अब आपको क्या फायदे मिलेंगे। देखिए ये आपको विचारहीन करने में बहुत सहायक है, विचारहीन। सरल भाषा में कहा जाए कि आज के समय में ओवरथिंकिंग की जो एक तरह से ये बीमारी माने कि ओवरथिंकिंग, छोटी सी समस्या हल नहीं हो रही है तो उसको पूरा दिन सोचना, ये बहुत गलत बात है। ओवरथिंकिंग एक ही चीज़ को आप 100 तरीकों से उसको बार बार सोच सकते हैं तो ये गलत माना गया। ओवरथिंकिंग ये आपकी बिल्कुल कम कर देगा, चित्त को एकाग्र करने में बहुत ही उत्तम विधि है और ये धीरे धीरे आप में मौन स्थापित करने लगेगी। वैसे तो भीतर मौन है, भीतर बैठा हुआ है मौन, लेकिन उसको जानने के लिए भी आपको बाहरी रूप से और भीतरी रूप से थोड़ा मौन होना ही पड़ेगा, उसकी आवाज़ सुननी पड़ेगी। एक तरह से आवाज़ क्या होती है, मौन की आवाज़ क्या होती है। अगर अब धीरे धीरे विचार शून्य होने लगेंगे, स्थिति बदलने लगेगी, स्थिति में एकाग्रता आने लगेगी, चित्त शुद्धि होने लगेगी। एक तरीका मैं आपको और बता देता हूँ, आज्ञा चक्र पर आप ध्यान लगाते हैं
तो इसके लिए आप करें एक त्राटक विधि होती है, बहुत ही गजब विधि है ये। अगर आप इसको करने लग गए तो मान के चलिए आपकी एकाग्रता इतनी दुरुस्त हो जाएगी, यानी बहुत ही गजब की एकाग्रता बढ़ जाएगी आपकी, यानी किसी पर ध्यान लगाने की और ध्यान टिकाने की बहुत ही गजब विधि है एकाग्र विधि। बिल्कुल एक हो जाना, एकाग्रता का मतलब एक हो जाना, पूर्ण रूप से एक हो के एक चित्त हो जाएगा आपका, पूरा चित्त एक जगह आके अटक जाएगा और इतनी शांति आप में स्थापित कर देगा कि जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आप की जो स्थिति हो जाएगी वो ऐसे हो जाएगी कि आप जैसे 10 बजे जैसे 4 बजे बैठे हैं, 4 से आप थोड़ी देर पश्चात उठेंगे तो आपको ऐसा लग 5-10 मिनट ही किया है आपने ध्यान, थोड़ी देर पश्चात ऐसा लगेगा आपको, लेकिन आपको एक घंटा आधा घंटा ऐसा हो चुका होगा। बहुत ही गजब विधि है त्राटक विधि भी, वह मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर ये वीडियो ख़त्म होते ही आपको मिल जाएगा वीडियो, जरूर उस पर भी एक बार गौर करें और आप जरूर उस विधि को करें। आज्ञा चक्र पर ये विधि बहुत ही अच्छी रहती है, उत्तम मानी गई है, आप करके देखें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। जब तक के लिए जय सिया राम, ओम नमो भक्ते वासुदेवाय।